नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर IRP की स्टेज वन में है, ये दिख रहा है आपको। और इसकी क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिलहाल मंडे को केवल ट्रेडिंग हो रही है, बाकी दिन यहाँ पर ट्रेडिंग बंद रहती है। देखिए लिखा है ना, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड रिकमेंसमेंट पोस्ट IBC। तो यहाँ पर गाइस अब ये IRP की स्टेज वन से बाहर आ सकता है। क्या इसका क्राइटेरिया होता है, कितने टाइम में बाहर आता है, फिर कब ये चला जाता है, अभी आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं लगातार इसको और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रहा था। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में मैंने शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट्स आते हैं वीडियो पे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पर फंसने से बचा है क्योंकि वो उसको रिलायंस ने टेक ओवर किया था और रिलायंस ने फिलहाल उसको शेयर्स के जो है वो कंपनी को शेयर्स को डिलीज कर दिया। तो कि मतलब शेयर होल्डर्स को फिलहाल कुछ भी नहीं मिला है, समझ रहे हैं बात को। तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, जो निकल गए या जिन्होंने उसमें एंट्री नहीं बनाई, तो फिलहाल वो बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो फिलहाल फंसे रह गए थे यहाँ पर। तो यही हाल लगभग इसका भी होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत IRP की स्टेज वन में चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए इसको। आप इसी तरह से सर्च करेंगे SHARBAZZ कैपिटल में, आपको मिल जाएगा। कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ और ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि आप भी भैया टिप से बच के रहिए। केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह यहाँ पर डालता हूँ और अपने वीडियोस के लिंक यहाँ पर शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो भैया नए लोग पहली बार वीडियो देखने आ रहे हैं या जिन्होंने इस शेयर के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, उनको केवल ये देख के समझ जाना चाहिए कि क्या किस तरह के शेयर है और हमें किसमें कितने पैसे लगाने हैं कि नहीं भी लगाने हैं। 121 करोड़ का मात्र यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट कैप, कितना ज़्यादा छोटा है। ROC माइनस में, ROE माइनस में, प्रमोटर होल्डिंग देखिए 0.01%। तो प्रमोटर माल बेच बेच के निकल चुके हैं, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। जब प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है तो प्लेज क्या होगी। डेट देखिए, आप देख पा रहे हैं डेट टू इक्विटी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 179 है, 1 या 1 से कम होना चाहिए, समझने बात को। तो यहाँ पर आपको 179 दिख रहा है, तो कितना ज़्यादा डेट। तो यानी कि आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए कि कंपनी में फिलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी चल रही है इसकी, तो आपको ये भी सारी चीज़ें मैंने शुरुआत में ही बता दी हैं कि IRP स्टेज वन में चल रहा है। अब ये बाहर आने वाला है, ये अभी हम आगे चार्ट जब देखेंगे तब बताएंगे। हाई और लो देखिए, 1.75 रुपये का लो और हाई लगाता है 6.19 रुपये का। दूसरी चीज़ देखिए, पूरा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, केवल वही भाई कंपनी इंसॉल्वेंसी चल रही है, तो वहाँ पर फालतू में अननेसेसरी सारी चीज़ें देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको फिलहाल इसमें तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, बाकी अगर आपका ज़बरदस्ती मन करे तो आप भैया उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने डूबने के लिए आप तैयार रहें। नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर लॉस ही लॉस है, यहाँ पर लॉस, यहाँ लॉस, यहाँ लॉस। पिछले 4 साल तक कितने बड़े बड़े लॉस कर रही कंपनी, तो कहाँ से फिर ये प्रॉफिट में आएगी। देखिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखिए, FIDI है यहाँ पर देखिए, 0.12 है यहाँ पर FIDI, लेकिन यहाँ पब्लिक देखिए कितनी है, 99.57%। तो यहाँ पर ओवरऑल जब कटेगा तो सबका बहुत बुरी तरीके से कटेगा, तो आप लोग प्लीज गाइस आप संभल सकते हैं, इन लोगों को बने रहने दीजिए। FIDI जो है आप फिलहाल निकलिए क्योंकि इंसॉल्वेंसी चल रही है। अगर आपको लगता है मौका मिलता है तो प्लीज़ मेरी सलाह तो यही है, आप निकल जाइए एज़ पर माई पर्सनल व्यूज़। हालांकि मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। रिटर्न देखिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए, 1 महीने में 20% खा चुका है, 6 महीने में आपकी कैपिटल को लगभग आधा कर दिया, 1 साल में लगभग लगभग आपकी कैपिटल को निकल चुका है, ये 5 साल में तो पूरी कैपिटल को इतने ख़त्म कर लिया है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 लाख का वॉल्यूम टुडे यानी सोमवार को ही हो रहा, तो सोमवार को वही टुडे 6 लाख और यस्टरडे की बात भी वही होगा और 1 वीक का एवरेज भी वही होगा 6 लाख। अभी IRP की स्टेज वन में जो लोग ये शेयर उठा रहे हैं वो पक्की बात है बहुत बुरा फंसने वाले हैं। हालांकि अब जब खुलेगा तो हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, लेकिन भैया इस तरह के स्टॉक्स में जाने का ही क्यों या पैसा लगाने का ही क्यों। अच्छे शेयरों में पैसा लगाइए, आराम से सोइए चैन की नींद। देखिए यहाँ पर आपको लगातार ऊपर नीचे फिर यहाँ से आया, इसने अपर सर्किट मारे। और मैं आपको बताऊँ, जैसे ही 6 से 7 अपर सर्किट जैसे ही लगते हैं IRP वाले शेयरों में, जिनमें IRP चल रही होती, इंसॉल्वेंसी चल रही होती, वहाँ पर फिर क्या करता है, सेबी इसको IRP स्टेज वन में डाल देता है। और IRP स्टेज वन में जाने का मतलब क्या हो गया, अब फिलहाल इसमें मंडे ट्रेडिंग होगी केवल सोमवार और सोमवार को, ताकि भैया जो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं उसमें कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है शेयर में तो वो उससे भैया बचा सकें। और जनरली 99% केसों में IRP की स्टेज वन में लोअर सर्किट ही लगता है, समझ रहे हैं आप बात को। फ्यूचर रिटेल जो है वो भैया अभी तक चल रहा था IRP की स्टेज वन में और अपर सर्किट लग रहे थे, लेकिन जो अब न्यूज़ आई है, जो अभी मैंने कल वीडियो डाला है फ्यूचर रिटेल पर, तो वहाँ पर भैया अब मान के चलिए उसमें भी आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा IRP की स्टेज वन में भी। तो अब यहाँ पर देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर लग चुके हैं, 1 मान के चलिए 6 और अभी जो लगने वाला है मंडे को दिखेगा आपको, तो उसके बाद गए 6 और 7 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको फिर रेगुलर ट्रेडिंग इसमें शुरू होते हुए दिखेगी। और गए
फिर मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होगी, हो सकता है अपर सर्किट लगे इसमें, तो जैसे ही 6-7 लगे भैया निकल लीजिएगा, 5वें अपर सर्किट पे ही निकल लीजिएगा जिनको प्रॉफिट ऑफिट लगे हाँ हो रहा है, क्योंकि फिर वो आईआरपी के स्टेशन में आ जाएगा, फिर लोअर सर्किट लगने लगेगा, है ना। और बाकी अपडेट मैं लगातार इस पर ला ही रहा हूँ, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज करके, उसी में मैं इसको भी डालता हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने वीडियो के अंत में हर बार डिस्क्लेमर देता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी नोशन करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे, मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, साफ साफ मैं बोलता हूँ। चलिए गाइस, धन्यवाद।